शास्त्री महाराज सदा ऐसे गुरु मोहम रमे आप अंशना हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री श्याम। यहाँ भृगु अपने पापा को बाय कर रहा है और हम लोग जा रहे हैं राम द्वारा वापस से दर्शन करने के लिए। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज गए हैं 10:30 और हम लोग दर्शन करने के लिए निकल लिए हैं घर से। सुबह के टाइम में हमको आज करने हैं थाल के दर्शन, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है थाल के दर्शन का यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। हम पहुंच गए हैं थाल के दर्शन करने के लिए। ये हमें रास्ते में ही मिल गया है। ये नए बाज़ार से चालू होता है थाल और ये राम द्वारा तक जाता है। इसी के दर्शन करने के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं। इसके दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है, तो मैं भी दर्शन कर लूँगी यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट हो गया है मेला भी। ये मेला जो है दिन रात लगता है, सुबह शाम रात दिन, और मेला स्टार्ट हो गया है यहाँ से और हम पहुँच गए हैं राम द्वारा। राम द्वारे की रौनक जो है ना, सुबह में अलग दिखती है और रात में बिल्कुल अलग लगती है। और मैं यहाँ थोड़ा गुम गए थे, हम दीदी और मैं बिछड़ गए थे, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप कहाँ चले गए थे, बड़ी मुश्किल से मिले हम लोग। और फिर आगे चलिए चलते हैं और मैं दिखाऊंगी आपको आज सुबह का नज़ारा, जो राम द्वारा में रौनक रहती है सुबह की, वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आप कितने ज़्यादा भीड़ आती है यहाँ पर, दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे इंडिया के तो ये मान लीजिए सारे कोनों से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और मैं चप्पल वगैरह हम यहीं पर उतार देंगे और चलिए चलते हैं आगे। और आज आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सुबह की जो रौनक यहाँ राम द्वारा में है, मैं आपको पूरी दिखाऊंगी, तो कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये राम द्वारे के अंदर का। नमो गुरुदेवम हरि मोरदासम, नमो जगरामदासम, नमो जगरामदासम, नमो गुरुदेवम महाज्ञानदाता सर्वजग। अभी हम लोग जा रहे हैं राम द्वारा में ऊपर। पहले जब मैं आई थी तो मैंने आपको नीचे के दर्शन करवाए थे, अभी मैं आपको ऊपर राम द्वारा में जो ऊपर की छतरियां हैं कितनी सुंदर लगती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे लोग बैठे हुए हैं जो महाराज जी के प्रवचन सुनने में लग रहे हैं। तो बहुत शांति और सुकून मिल रहा है यहाँ पर और बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे। चेतन सबको करत है भजन करत भरपूर, ऐसे जन कल काल में पाप करन सब दूर, गुलाब कमल के पलक पर देखत तन धूर। प्रवचन वगैरह सुनने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं। मैं परिक्रमा दे रही हूँ यहाँ पर। बहुत सारा, मतलब बहुत बड़ा है राम द्वारा। आप एक दिन में पूरा मैं आपको दिखा नहीं पाई, इसलिए मैं आपको थोड़े अलग अलग करके दिखा रही हूँ। और ये है राम भंडार, ये राम भंडार का गेट है और हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। मिष्टी, भृगु और कानू जो है ना, दोनों में लड़ाई हो गई है और मिष्टी
कानू को चिढ़ाने, मिष्टी क्या है, कानू चिढ़ाता रहता है मिष्टी को, तो ये दोनों लड़ाई ही लड़ते रहते हैं बैठे बैठे। यहाँ पर कानू भृगु को बोलने में लग रहा है कि भाई इस मिष्टी को मार, तो भृगु जो है ना बात मानता है कानू की, मिष्टी को ज़रूर मारता है वो, कानू को नहीं मारता है। तो यहाँ पर वो चिढ़ने में लग रही है और रोने में लग रही है, बस वही चल रहा है और मैं उसको चुप कराने में लग रही हूँ। हम लोगों ने अच्छे से दर्शन वगैरह कर लिए हैं ऊपर और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे। और नीचे जो है जाने के बाद ही जो मार्केट में जो थाल हमको मिला था वो अब थाल एंटर कर गया है राम द्वारे के अंदर, तो इसी की रौनक है ये बहुत अच्छी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा उमंग से लोग बाग डांस करने में लग रहे हैं और कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ राम द्वारे में लोगों की, भक्तों की। तो यही है राम द्वारे का महत्व। जितनी भी सारी लोगों की यहाँ भक्तों की भीड़ आप देख रहे हैं वो सब इसी थाल के दर्शन करने के लिए है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, और थाल जो है राम द्वारे के अंदर प्रवेश करने ही जा रहा है और ये अंदर चला जाएगा बस। राम द्वारे में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस से मेले में, मतलब ये आगे स्टार्टिंग जहाँ से होती है ना वहीं तक ही हम जाएंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ही शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं टॉयज़ वगैरह की आगे की तरफ, तो हम लोग बस थोड़े बहुत टॉयज़ वगैरह पहले देखने लग गए हैं, हमने लिए नहीं है, हम खिलौने बाद में लेंगे। आगे यहाँ पर हमको कोई भी खिलौने पसंद नहीं आए, मतलब जो भी रेटें थी वो ज़्यादा थी। इसके बाद हम आगे फ्रूट्स वगैरह लेने लग गए हैं, यहाँ से दीदी ने ले लिए हैं अंगूर और आम, तो भृगु बस बीच बीच में अंगूरों को तोड़ तोड़ के खाने में लग रहा है। मिस्टी को टॉय नहीं दिलाए तो मिस्टी नाराज होगी। दीदी के आज व्रत है तो उनको पूजा वूजा करने के लिए माला वगैरह चाहिए थी, तो हम लोग फूल माला लेने लग गए हैं भगवान जी के लिए। और भृगु भी ना चारों तरफ देख देख के मम्मम मम्मम कर रहा था, बस कुछ खाता तो है नहीं, बस पीछे पड़ रहा था, ये ले लो वो ले लो ये खा लो। बच्चों का तो यही है कि कुछ भी इनको दिला दो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और हम आ गए हैं आइसक्रीम की शॉप पर, ये यहाँ की फेमस आइसक्रीम है, भड़भूजे की आइसक्रीम इसको बोलते हैं। तो बस हम लोग आइसक्रीम खा लेंगे, घर पर चले जाएंगे। यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर दूंगी। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड